एसपी का कोरोना कर्फ्यू पर एक्शन धारा 188 में 120 केस दर्ज और 6000 लोगों के चालान काटे। लगातार कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। कोरोना नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर लगातार पुलिस सिंघम के अंदाज में जनपद में पुलिस का डंडा तो चला, लेकिन ये डंडा भी चला तो मगर कोरोना गाइडलाइन और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए। जो लोग बाजार में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भी भाजी। इस बीच पुलिस ने किसी को मुर्गा बनाया तो किसी के कांधे पर साइकिल रखवाकर उससे दौड़ लगवाई। आवश्यक वस्तुओं के अलावा चोरी छुपे दुकानें खोलकर सामान बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस ने कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएगी। इधर जनता से एसपी चक्रेश मिश्रा ने अपील की कि बेवजह घरों से ना निकले, चेहरे पर मास्क लगाएं, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। जनपद संभल में जो कोरोना कर्फ्यू इस समय लागू है उसके पालन के लिए पुलिस के द्वारा हरेक थाने में तथा जो कस्बे और हमारे यहाँ के बाजार है वहाँ पर लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 120 मामलों में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और करीब 6000 लोगों का चालान किया गया है। मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में समाज व पुलिस का साथ दें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और जब बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर जाएं। जिन लोगों को आवश्यक कार्य है वो उस कार्य का प्रमाण जैसे कि दवा की पर्ची अथवा अन्य इस तरह के डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलें। धन्यवाद।